स्वागत है फ्रेंड। आज हम बनाने वाली हूँ इडली। चलिए बनाते हैं। बनाने के लिए हम एक बड़ा कटोरी सूजी ली हूँ, आधा कटोरी दही ली हूँ और थोड़ा सा नमक डाल दे रही हूँ। इसको अच्छे से चलाएंगे। पानी ऐड करेंगे, दही से थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। देखिए कितना अच्छा बैटर बन के तैयार हो गया। इसको 15 से 20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। उसके बाद से चलिए सांभर बनाने। सांभर बनाने के लिए हम आधा कटोरिया दाल ली हूँ रहर का, ऐड कर रही हूँ। हम सब्जियों में ली हूँ बैंगन, लौकी, प्याज, टमाटर। अगर आपके वहाँ और सब्जी हो तो और सब्जी डाल लीजिएगा। चलिए हम ऐड करते हैं। पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, इसके बाद इसमें पानी ऐड करेंगे। इसमें पानी हम ऐड करेंगे। ऐसे 7 सीटी आने तक इसको हम कुक करेंगे। देखिए सांभर हो चुका है। देखिए फ्रेंड सांभर बन चुका है। अब चलिए इसमें हम तड़का लगाते हैं। ऑयल गरम हो चुका है। अब हम इसमें जीरा ऐड करेंगे, उसके बाद पीला वाला सरसों, अगर राई हो तो राई डालिए, थोड़ा सा हींग पत्ता ऐड करेंगे, लाल मिर्च, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इस सांबर मसाला, 3 सांबर मसाला डालेंगे, चम्मच हम सांबर मसाला ऐड करेंगे। देखिए तड़का लग चुका है कितना अच्छा। देखिए फ्रेंड हमारा सांभर बन के तैयार हो गया। अब चलते हैं इसमें हम इनो ऐड करेंगे। मैं हम पानी ले ली हूँ, पानी रखे जितना इडली स्टैंड से टच ना हो पाए। चलिए बनाते हैं। इडली स्टैंड में हम लगा लेंगे अच्छे से। देखिए फ्रेंड इडली स्टैंड में हम ऑयल लगा दी हूँ। अब बैटर को इसी में हम ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे क्योंकि बैटर फूलता भी है। उबाल आ चुका है। अब इडली का स्टैंड हम रखेंगे। अब हम रख दी हूँ। अब इसको 15 से 20 मिनट तक हम पकाएंगे ढककर। फ्रेंड हमारा इडली सांभर बन के तैयार हो गया है। अगर ये रेसिपी आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अगर हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।